लगभग 250 बच्चा, 250 से 300 के करीब बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, उसके मुतालिक ये प्रोग्राम है उनको विदाई करने का। मैम दो मिनट वेट कर रहे हैं, दो मिनट बोला था, दो मिनट वापस बोलो। हाँ वापस बोलिए सर। ये प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप में बच्चे करीब 300 बच्चा यहाँ से मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का, जिसमें इन बच्चों की आधी फीस आर्मी वालों ने दी है और आधी फीस मेवाड़ यूनिवर्सिटी दे रहा है। बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उनसे एक 30,000 रुपया लिया जा रहा है, जिसमें से 10,000 रुपया उनको वापस रिफंड हो जाएगा, जिसमें उनका रहना खाना वर्दी किताबें ट्यूशन फीस सब फ्री होगा। 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होगा। सर आपने इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रखा है या? हाँ, इसमें इंजीनियरिंग में आ रहे हैं बच्चे, फार्मेसी में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में आ रहे हैं, पैरामेडिकल में आ रहे हैं। यूजुअली हमने देखा है सर कि जो भी कश्मीर के बच्चे आउट ऑफ स्टेट पढ़ते हैं किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी बहुत सारी जगहों पर कश्मीर के स्टूडेंट्स उनको हैरास किया गया या मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरीके के इस तरीके के कोई किस तरह के क्या एश्योरेंस करेंगे आप? मैं पूरी तरीके से एश्योरेंस करता हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि 2200 बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी मेवाड़ यूनिवर्सिटी से अब तक पढ़ के जम्मू कश्मीर का जा चुका है और हमारे यहाँ कोई इस तरीके की मॉब लिंचिंग या इस तरीके की कोई झगड़ा नहीं हुआ। 2200 बच्चा अब तक पढ़ के जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वातावरण बहुत बदल गया है। छोटी मोटी बच्चों में, यंग बच्चों में आपस में नोकझोंक तो हो सकती है खेलने में कूदने में, लेकिन ऐसी कोई कम्युनल वायलेंस या कश्मीरियों को लेकर कोई टारगेट करना ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कोई मैसेज होगी यूनिवर्सिटी के जरिए एज ए चीफ जो आप यूनिवर्सिटी के हेड हैं? हाँ, मैं हमारी यही है कि तालीम से तरक्की, हमारा यही मैसेज है कि बच्चे तालीम प्राप्त करें और तरक्की के रास्ते पर चलें, देश की मुख्य धारा में आए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बने और सबके लिए एक सबल बने। थैंक यू सर। मेरा नाम मोहम्मद न्यास है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से बिलोंग करता हूँ सर, और हम आज यहाँ आए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें स्कॉलरशिप बेस पे हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है और हमें डिग्री कंप्लीट होगी, और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का और गवर्नमेंट का कि हमें ये हमें पढ़ा रहे हैं और हमें हमारी डिग्री कंप्लीट करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर, तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है सर ये, तो बस यही कहना चाहता हूँ। तो मेरा नाम राहुल भांडे है सर, डिस्ट्रिक्ट पुणे से बिलोंग करता हूँ सर। जो आज का इनिशिएटिव है जो स्कॉलरशिप के बेसिस पे आउट ऑफ स्टेट ले जाया जा रहा है J&K के पूरे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किए हुए स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अमाउंट जो बाहर की स्टेट्स में लिया जाता है BTech या B Pharmacy करने के लिए, उसके लिए स्कॉलरशिप के बेसिस पे आर्मी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर हैं वो एक कंडक्ट कर रहे हैं सर, इसीलिए सर आज हम यहाँ पे आए हैं सर। ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट गरीब और इंटेलिजेंट है जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं इस डिग्री या डिप्लोमा को करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है यार, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर।